caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. First paint open karne ka tarika. Start on program accessories Microsoft Paint. यहाँ पे पेंट क्लिक। उसके बाद पहले दिन हम लोग सीखेंगे कि फर्स्ट ये यहाँ पे टाइटल पेंट जो लिखा हुआ है ये वाला बॉर्डर का नाम है टाइटल बार, और इस साइड में हम लोग देखेंगे ये वाला है मिनिमाइज। जो मिनिमाइज करने से ये जो विंडो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये विंडो हाइड हो जाएगा, जो कि टास्क बार में आप लोगों को मिलेगा। अब इस टास्क बार के द्वारा हम लोग फिर से इसको खोल सकते हैं, ये खोल गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये वाला है रिस्टो डाउन, यानी कि ये जो विंडो को हम लोग बड़ा कर चुके हैं इस विंडो को फिर से छोटा पोजीशन में ला सकते हैं। ओके, अब फिर से अगर हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा मैक्सिमाइज। अब ये मैक्सिमाइज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, उस विंडो को, मेरा ये जो स्क्रीन जो पूरा दिख रहा है इस पूरा स्क्रीन में इसको ला सकते हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला है क्लोज बटन, इस क्लोज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को देखेंगे ये यहाँ पे इस साइड में एक बटन की तरह दिख रहा है, इस बटन का नाम है पेंट। अब ये पेंट बटन जो है, इस पेंट बटन में हम लोग देखेंगे न्यू, जिस न्यू के द्वारा हम लोग ये कैनवास एरिया को, मतलब ये जो पेंट का पेज है, नया एक पेज ले सकता हूँ। और वहां पे देखेंगे वो पेज जो पहले से सेव किया हुआ किसी पिक्चर को, यहाँ पे पहले से कुछ पिक्चर एग्जिस्टिंग है उस पिक्चर को ओपन करके हम लोग पूरा कैनवास पेज में ला सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सेव। सेव क्या चीज है, जो पहले हम लोग ड्राइंग कर चुके हैं उस ड्राइंग किया हुआ पिक्चर को अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा एडिट करने के बाद उसको फिर से उसी नेम पे दोबारा सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं, जिसका कंट्रोल एस के द्वारा हम लोग शॉर्टकट में कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेव एज। सेव एज के क्या होता है, सेव एज से होता है F12 के द्वारा सेव द करंट पिक्चर एज ए न्यू फाइल, मतलब आपने पहले एक पिक्चर बना चुके हो या फिर नया पिक्चर आप तैयार कर चुके हो उसको सेव करने के लिए हम लोग सेव एज में करेंगे, यानी कि पुराना या नया पिक्चर को नया नाम के द्वारा सेव करने के लिए हम लोग सेव एज को इस्तेमाल करते हैं। और सेव एज में हम लोग कुछ टाइप देखेंगे यहाँ पे PNG, जो कि PNG एक फॉर्मेट टाइप होता है, जैसे कि सेव ए फोटो और ड्राइंग विद हाई क्वालिटी एंड यूज इट ऑन योर कंप्यूटर और ऑन योर वेब, जो कि हम लोग ऐसा हाई क्वालिटी पिक्चर को सेव कर सकते हैं जिस हाई क्वालिटी पिक्चर को कंप्यूटर में या फिर हम लोग वेब में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे JPEG, सेव ए फोटो विद गुड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी अच्छा है, एंड यूज इट ऑन योर कंप्यूटर इन ईमेल और इन वेब, हम लोग इसको वेब में यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईमेल में डाल सकते हैं। BMP जिसको बिटमैप पिक्चर कहा जाता है, सेव एनी काइंड ऑफ पिक्चर विद हाई क्वालिटी एंड यूज इट ऑन योर कंप्यूटर। एक्चुअली इसमें हम लोग जो भी पिक्चर ड्राइंग करेंगे तो वो पिक्चर एक बिटमैप पिक्चर के जैसे हो जाएगा, तो मतलब पेंट ड्राइंग पिक्चर जैसे हम लोग देखेंगे पेंट पिक्चर को कहा जाता है बिटमैप पिक्चर। अब वो बिटमैप पिक्चर में हम लोग इसको ड्राइंग करके रख सकते हैं, यानी कि सेव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे GIF, जो कि एनिमेशन पिक्चर का होता है। ये जो GIF पिक्चर होता है ये भी एक फॉर्मेट होता है जिसके द्वारा हम लोग एनिमेशन पिक्चर का फॉर्मेट कहा जाता है। तो सेव ए सिंपल ड्राइंग, मतलब इसको सिंपल ड्राइंग में सेव कर सकते हैं, लोअर क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, एंड यूज इट एन ईमेल ऑन योर वेब, हम लोग इसको वेब में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अदर्स फॉर्मेटेड, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स टू योर सिलेक्ट फ्रॉम द ऑल पॉसिबल फाइल टाइप,
यानी कि इसमें अगर कुछ फाइल टाइप इसमें अगर जरूरी है आपको, इसके अलावा अगर आपका कुछ है तो उसमें भी आप ले सकते हैं जैसे आपको जरूरी है। तो उस प्रकार का मुझे जरूरी अगर होता तो मैं ले लेता। तो इस प्रकार का सेवेस्ट टाइप में हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद क्या है प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या होता है, जो ड्राइंग आपने बना चुके हैं उस ड्राइंग एरिया को आप किसी प्रिंट पेपर में निकाल सकते हैं, मतलब किसी पेपर में आप उसको प्रिंट करके निकाल सकते हैं आउटपुट रिजल्ट में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे पेज सेटअप, जिसके द्वारा हम लोग जो जिस पेज को प्रिंट करेंगे उस पेज का सेटअप भी कर सकते हैं। जैसे घर के मार्जिन दो, या फिर पोर्ट्रेट करो, या फिर लैंडस्केप करो, हॉरिजॉन्टली करो, या फिर वर्टिकली करो, तो वो सब चीज हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगर जरूरी है तो, नहीं जरूरी तो छोड़ देंगे। उसके अलावा हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू, जो यानी कि अपना जो ड्राइंग किया हुआ पिक्चर है उस पिक्चर को हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, मतलब तो प्रिंट करने से पहले आप उसको देख लेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। एक्चुअली फ्रॉम स्कैनर और कैमरा क्या चीज होता है, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को ये डेटा केबल के जरिए या फिर किसी कंप्यूटर के साथ कैमरा कनेक्टेड हुआ है या फिर स्कैनर कनेक्टिंग हुआ हो, तो इस कैमरा या फिर स्कैनर में कोई फोटो अगर है तो उस फोटो को डायरेक्टली हम लोग पेंट में ओपन करके ला सकते हैं और उसको हम लोग पेंट के द्वारा सेव करके भी देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अपना साइज, पिक्चर का साइज रिसाइज करना, ये सब चीज भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। सेंट इन ईमेल, इसका मतलब क्या है कि आपने जो ड्राइंग किया है उस ड्राइंग किया हुआ पिक्चर को या फिर स्कैन किया हुआ पिक्चर को या फिर कैमरा से लिया गया पिक्चर को आप किसी को भी मेल करके डाल सकते हैं। सर इससे पहले आपको ये जानकारी जरूरी है कि आपका अगर इसमें आउटलुक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आउटलुक प्रोग्राम होता है, तो आउटलुक प्रोग्राम में आपका ईमेल का अगर कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है तभी आप इसको कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप उसको पहले करें, करने के बाद इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या देखें, सेट एक डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अब ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड में क्या चीज होता है, जिस तरह आपने ये जो ड्रॉइंग किया है, इस ड्रॉइंग किया हुआ पिक्चर को आप क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों को स्क्रीन जो दिखाई दे रहा है, ये जो डेस्कटॉप का स्क्रीन दिख रहा है, इस डेस्कटॉप के स्क्रीन पे हम लोग उसको डाल सकते हैं, इस डेस्कटॉप के स्क्रीन में हम लोग उसको डाल सकते हैं, मतलब उस पिक्चर को, ड्राइंग किया पिक्चर को हम लोग डाल सकते हैं। तर इसमें कुछ अलग होता है, पोजीशन होता है, जैसे करके फिल। फिल क्या चीज होता है, जैसे फिल द एंटर स्क्रीन विद द पिक्चर, पूरा पिक्चर को हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। अगर वो पिक्चर का साइज, मतलब उसका रेजोल्यूशन छोटा है और मेरा डेस्कटॉप का रेजोल्यूशन ज्यादा है तो वो पिक्चर क्या करेगा, टाइल कर देगा। अगर हम लोग टाइल में करेंगे तो टाइल का मतलब ये चीज होता है कि वो पिक्चर छोटा छोटा होकर बहुत सारा पार्ट हो जाएगा। और क्या होता है सेंटर, तो एक ही पिक्चर आएगा और वो पिक्चर अगर छोटा है, मतलब रेजोल्यूशन से छोटा है तो बीच में दिखाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या चीज है, इसके द्वारा हम लोग अपना पेज, ये जो पेंट एरिया जो पेज है, इस पेज को हम लोग देख सकते हैं। लश सेव, यानी कि आपने जो पहले सेव करके रख चुके हैं उसका भी आप यहाँ पे देख सकेंगे। अगर नहीं सेव किया है तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाएगा। साइज ऑन डिस्क, और यहाँ पे ये भी नॉट अवेलेबल दिखाएगा कि आपके सेव नहीं है, यानी कि इस डिस्क का कितना साइज है इसका, वो भी आपको दिखाएंगे। रेजोल्यूशन यहाँ पे 96 dpi, ठीक, तो इस प्रकार से रेजोल्यूशन यहाँ पे दिखाता है। और क्या होता है यूनिट्स। यूनिट्स क्या चीज होता है, यूनिट्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंचेस, सेंटीमीटर्स, पिक्सल्स, और क्या है कलर में हम लोग देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। कलर क्या होता है, जैसे कि हम लोग पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट ड्रॉइंग कर सकते हैं या फिर कलर में ड्रॉइंग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से चीज हम लोग इसमें देखेंगे। और क्या है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट में क्या होता है, ये जो अपना जो पेंट पिक्चर का एरिया है, अब इस एरिया का ये जो पिक्सल में दिया हुआ है तो 1341 पिक्सल इसका लेफ्ट टू राइट में है और 531 पिक्सल इसका अप एंड डाउन में है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे पिक्सल का रेजोल्यूशन को देख सकेंगे कि उस पिक्चर का रेजोल्यूशन कितना है। और इसके अलावा हम लोग और भी देख सकेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन आपको दिखा दे रहे वो रेजोल्यूशन आप यहाँ पे टक्स बार, मतलब ये जो टक्स बार के ऊपर एक बॉर्डर दिख रहा है जिस बॉर्डर में आप लोगों को वो रेजोल्यूशन दिखा दे रहा है, यानी कि 1341 × 531 पिक्सल, मतलब px। इस प्रकार से आपका ये जो पूरा कैनवास एरिया है, बस ये कैनवास एरिया का साइज दिखा रहा है आपको। क्लियर। अच्छा, कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस बॉर्डर में कुछ चीज दिखा रहे हैं, होम, न्यू, ये सब चीज आपको दिखाई दे रहे। जब ये होम पे हम लोग जाते हैं
तो ये वाला चीज चेंज हो जाता है, व्यू पे जाते हैं तो ये वाला चीज चेंज हो जाता है। तो ये होम और व्यू क्या चीज है कि मेनू बार में, यानी कि इस बॉर्डर का नाम है मेनू बार, इस मेनू बार में कुछ चीज होते हैं जैसे कि होम या फिर व्यू। अब ये होम या फिर व्यू में हम लोग क्या देखेंगे, होम और व्यू में हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कुछ चीज ऐसा होते हैं कि ये सब चीज को टैब कहा जाता है। अब एक टैब में हम लोग क्लिक करेंगे तो नीचे वाला ये जो एरिया है, इस एरिया अब चेंज हो जाता है। अब इस एरिया को कहा जाता है रिबन। अब हम लोग ये हर एक चीज का ऑप्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखते पहले हम लोग होम के बारे में जानकारी लेते हैं। होम में हम लोग देखेंगे ये वाला है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट फॉर्म है। अब हम लोग देखेंगे कट क्या चीज है, कॉपी क्या चीज है, पेस्ट क्या चीज है। तो ये सब चीज या फिर सिलेक्ट, ये सब चीज या फिर ये टूल बॉक्स या फिर शेप्स या फिर साइज, कलर्स, एडिट्स, ये सब हम लोग ये सब देखेंगे। तो पहले हम लोग जानकारी लेते हैं टूल बॉक्स के बारे में। यह है पेंसिल। इस पेंसिल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक को दबा के माउस को जिस तरह से घुमाएंगे उस तरह से लिखा जाता है आ जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा चाहते कि ये जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर को छोड़ के हम लोग दूसरे कलर में डालना चाहते हैं तो दूसरे कलर में क्लिक करेंगे, फिर से दबाएंगे तो ये आ गया, क्लियर। और क्या है, इरेजर। अब ये इरेजर के द्वारा क्या होता है, जिस प्रकार से हमने लिखा है ये उसी प्रकार से लेफ्ट क्लिक को दबा के जिस प्रकार से इसको घुमाएंगे उसी प्रकार का हम लोग इसको मिटा सकते। अगर आपको ऐसा चाहिए कि ये माउस पॉइंटर, मतलब ये जो इरेजर है, इस इरेजर को बड़ा करना है, तो आप क्या करें, कीबोर्ड में कंट्रोल, कीबोर्ड में चले जाइए ओएस के, अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे ये कंट्रोल दबाया, कंट्रोल को दबा के हम लोग क्या करेंगे, प्लस बटन को दबाएंगे। बड़ा हो रहा है, ठीक। कंट्रोल को दबा के आप क्या करें, प्लस को दबाइए, ठीक। प्लस को दबाने से आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करके मैं इजी से इसको मिटा दे सकता हूं, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फिल विद कलर। फिल विद कलर का मतलब है कि आप किसी भी कलर को, मतलब क्लिक एन एरिया ऑन द कैनवास टू फिल इट विद द फोरग्राउंड कलर एंड और राइट क्लिक टू फिल इट विद द बैकग्राउंड कलर। राइट क्लिक करके ले लिया, राइट क्लिक करके मैं कलर डाल सकता हूं, तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूं। अब ये मैं इसमें राइट क्लिक करूंगा, हो गया, राइट क्लिक दबा देता हूं तो ये कलर आ जाएगा, लेफ्ट क्लिक दबा देता हूं तो ये कलर आ जाएगा, क्लियर। राइट क्लिक पे यानी कि बैकग्राउंड कलर और लेफ्ट क्लिक यानी कि आपका कलर वन, ये कलर आप डाल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको मिटा देते हैं, सॉरी हटा दिए। उसके बाद हम लोग को क्या है कि इसके द्वारा आप किसी भी एरिया को कलर कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक के द्वारा लेफ्ट कलर, राइट क्लिक के द्वारा राइट कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर आप डाल सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो चीज है इसको कहा जाता है टेक्स्ट, जिसके द्वारा हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब हम लोग दोबारा लिखते हैं, ये लिख दिया। अब देखिए कि ये वाला चीज को, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स आपका है ये वाला, मैं इसके ऊपर ले जाता हूं तो पीछे वाला दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये चीज है कि आपका, अब जिसमें हो आपका पीछे भी उसका कुछ चीज अगर है तो उसको दिखाई देगा, अगर नहीं है तो नहीं दिखाएगा, ठीक। ओप्पो के का मतलब क्या चीज है कि आपका पीछे कोई भी रहे तो उसको दिखाई नहीं देगा, उसका पीछे एक पर्दा आ जाएगा, ये होता है। तो ओप्पो के और ट्रांसपेरेंट में ये डिफरेंस है कि ट्रांसपेरेंट में हम लोग पीछे वाला चीज को देख सकते हैं, ओप्पो के में पीछे वाला चीज को नहीं देख सकते। और क्या चीज है, हम लोग ये टेक्स्ट एरिया को मैं बड़ा कर सकता हूं, तो मैं इसको बड़ा कर लिया, इसको मैं सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो इसका एरिया है सबसे छोटा 8, सबसे बड़ा 72, तो मैं इस प्रकार से ऐसे साइज दे सकता हूँ। बोल्ट, बोल्ट कटा दूंगा तो ये बोल्ट हट जाएगा, हट गया।
इटैलिक टेरा किया जा चुका है, वो टेरा भी हट जाएगा, हट गया। अब यू का मतलब अंडरलाइन, ये जो अंडरलाइन है ये भी हट जाएगा, हट गया। अब ये बीच वाला जो बॉर्डर है, ये बीच वाला जो लाइन है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला होता है स्ट्राइक थ्रू, इसको भी हटा देंगे तो ये वाला भी हट जाएगा। अब क्या है इसके, ये जो स्टाइल आपको दिख रहा है, इस स्टाइल को हम लोग इसके द्वारा चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल है जो चेंज हो रहा है, जो स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल आप डाल सकते हैं, ठीक। और क्या कलर, आप कौन सा कलर डालना चाहते हैं, जब तक आप ये टेक्स्ट बॉक्स में रहेंगे तब तक ही आप इसका कलर डाल सकते हैं। अगर यहाँ से हट गया तो आप क्या कर पाएंगे कि इसका कलर नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हट जाएंगे मतलब बाहर क्लिक करेंगे तो ये वाला इमेज बन जाएगा, ठीक, क्लियर, ऐसा समझ में। अच्छा चलो, ओके, अच्छा तो चलो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग बाहर निकल गए तो ये वाला इमेज बन गया, ठीक, क्लियर। तो ये टेक्स्ट हो गया। अब हम लोग उसका देखेंगे यहाँ पे कलर पिकर और क्या चीज है, ये वाला हम लोग देखेंगे, ये वाला मैग्नीफायर। अब मैं मैग्नीफायर क्या चीज होता है, जैसे कि आप ये जो एरिया है, इस एरिया को आप चाहते हैं कि इस एरिया को बड़ा करके देखने के लिए, तो आप कितना बड़ा कर सकते हैं उसका भी लिमिटेशन है कि इसको आप 800% से ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। और क्या है, अगर आपको कभी छोटा करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो जितना बार आप राइट क्लिक दबाएंगे तो उतना बार ये छोटा होते जाएगा, तो इसका भी एक लिमिटेशन है, ये कितना परसेंट छोटा हो सकता है, तो इसका भी लिमिटेशन है। ये वाला सबसे छोटा 12.5%, इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्लियर। अच्छा तो चले हम लोग इसको 100% कर देते हैं, 100% कर दिया, जूम आउट 100%, ठीक। अच्छा तो अब हम लोग देखेंगे कि यहां से एक शेप ले लेते हैं, ये मैं आपको कलर पिकर के बारे में मध्य में बताता हूँ कि यहाँ से बहुत सारा शेप होता है, जैसे पहले लाइन, इसके द्वारा हम लोग लाइन ले सकते हैं, इसके बाद कार्व लाइन, ये कार्व टेरा हो गया, तो इसको टेरा करने के लिए आपको दो बार क्लिक करने का जरूरी है। तो लाइनें हम लोग जब लेंगे, लाइनें लेने के समय हम लोग ये लाइनें ले गए, अब ये लाइन तो आ गया पर ये टेरा है, अगर मुझे सीधा लाइन चाहिए कभी तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट दबा के आप लाइनें टानो तो ये लाइन सीधा आ जाएगा। तो देखिए कि आपका ये जो लाइन आ रहा है, ये लाइन बहुत मोटा सा आ रहा है, तो इसको पतला करने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइज दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि उसका 1px, यहाँ पे 3px, यहाँ पे आपका 5px और यहाँ पे आपका मिलेगा 8px। तो आप कौन सा पिक्सल में, मतलब किस पिक्सल में आप डालना चाहते हो उसको, 1px में, तो ये वाला आपका 1px का लाइन ही मिल जाएगा, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कार्ब लाइन भी अगर हम लोग सीधा करके टाने तो ये कार्ब लाइन आ गया, अब हम लोग यहाँ से इस प्रकार से टानेंगे तो ये बल्ला टेरा बन गया, तो उसके लिए भी हम लोग शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा शेप है, सिर्फ इस शेप को छोड़ के, मतलब ये पॉलीगन शेप को छोड़ के बाकी सारा शेप को आप क्लिक करके टान के लो तो वो वाला शेप आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी कलर डाल सकते हैं, डाल दी किसी प्रकार। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप, ये रेक्टेंगल शेप ले लिया, अब ये रेक्टेंगल शेप के अलावा यहाँ पे बहुत सारा शेप है, उस शेप को भी हम डाल सकते हैं। तो और क्या चीज होता है, पॉलीगन शेप, पॉलीगन शेप के द्वारा क्या होता है कि मैं एक लाइन ले लिया, लेने के बाद जहां जाओ वहां क्लिक करो तो ये लाइनें चला जाएगा और एंगल बन जाएगा और एक शेप का आकार दे देगा, जब तक ये दोनों लाइन एक साथ नहीं मिलता है तब तक ये वाला चलते रहेगा, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे ये वाला जितना सारा शेप है कि कुछ भी शेप डालो, ये शेप डाल दिया, ये शेप डाल दिया, तो ये शेप आप लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, तो मैं इस प्रकार से भी ले लिया, तो इस प्रकार से लेने के बाद मैं इसमें फिल आउट कर सकता हूँ और अपना ड्रॉइंग कर सकता हूँ, कुछ अपना मर्जी से,
और क्या चीजें हैं हम लोग से यहाँ पे डिफरेंस क्या चीज देखा है, डिफरेंस तीन चीज है, एक लाइन है, एक कर्व लाइन है और एक पॉलीगन है, और बाकी सारा शेप आप यूं ही टर्न के ला सकते हैं, मतलब क्लिक करके जब जिसमें क्लिक करेंगे तो वो वाला उस प्रकार से येलो कलर बन जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसको कैनवास एरिया में आए, आने के बाद उसको क्लिक करके टर्न के लाए तो वो वाला शेप बन गया। ठीक, अच्छा तो चलो हम लोग उसका देखते हैं कि अब हम लोग ये कलर पिकर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो पहले हम लोग एक शेप ले लेते हैं। अब ऐसा सोचिए कि ये कलर बॉक्स जो आपको मिल रहा है, ये कलर बॉक्स में कुछ ऐसा कलर आपको चाहिए जो कलर इस जगह में है ही नहीं, मतलब इस कलर से आप एडिट करके भी उसको मैच नहीं कर पाए। तो ये कलर एडिट करने के बारे में बाद में बताते हैं, तो ये कलर पकड़ के लिए मैं इस चीज बोल रहा हूँ। तो देखिए कि इस कलर में ऐसा कुछ कलर आपको चाहिए जो कलर आपका है ही नहीं, तो उस कलर को डालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले एक पिक्चर लेते हैं, ये पेस्ट फ्रॉम के द्वारा हम लोग एक पिक्चर लेंगे। चलिए मैं कहाँ से लूंगा, चलिए मैं डेस्कटॉप से ले लेता हूँ। डेस्कटॉप में मेरा पिक्चर है, यहाँ पे कुछ इमेज है, तो मैं यहाँ से कुछ इमेज डाल देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैं ये वाला इमेज मेरे पर डाल देता हूँ। अब ये वाला इमेज में आप देख रहे हैं कि ये जो लड़की है, इस लड़की का फेस का जो कलर है, उस फेस का कलर आपको डालना है, तो आप क्या करेंगे। तो यानी कि पहले आप लोग ये जानते थे कि कुछ हम लोग मेडिसिन के दवाई लेने के लिए, सॉरी मेडिसिन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉपर को इस्तेमाल करता था, कान में डालने के लिए, नाक में डालने के लिए, आंखों में डालने के लिए, उस प्रकार से। तो ये फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार के ड्रॉपर की तरह। तो ये पीकर होता है, मतलब पिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिक का मतलब उठाना, मैं किसी भी जगह से उठा सकता हूँ। तो यह क्या करता है, किसी भी जगह से कुछ कलर को उठा सकते हैं, मतलब मुझे ये कलर का जरूरी है तो ये कलर मैं उठा लिया। अब देखिए कि वो वाला कलर, मतलब ये जो एक पिक्सल का एरिया में जो कलर है, स्पेसिफिक जो कलर है, उस कलर को ये डाल देते हैं। तो वो कलर को मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, किसके द्वारा, ये फिल विद कलर के द्वारा। अब देखिए वो कलर यहाँ पे चला है। तो यानी कि कलर पिकर का ये काम होता है कि किसी भी जगह से वो कलर को, कुछ भी कलर को एक पिक्सल में उठा सकते हैं। एक पिक्सल का जो यूनिक पिक्सल का जो कलर होता है, उस पिक्चर को ये उठा सकते हैं। अब उस पिक्चर, उस कलर को आप किसी भी जगह में डाल सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे ये वाला टूल बॉक्स जो है, टूल बॉक्स को पूरा मैं खत्म कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो है कि यहाँ पे आपका ये शेप्स को मैं खत्म कर दिया। अब हम लोग दूसरे चीज के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे और भी है, ब्रश है, ये कॉफी कट पेस्ट सिलेक्ट है, रिसाइज है, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे से जानकारी लेते हैं। अच्छा तो चलते हैं हम लोग, अभी हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग टूल्स बॉक्स के बारे में जानकारी ले लिया, शेप्स के बारे में जानकारी ले लिया, अब हम लोग कलर का भी, ये ब्रश के बारे में जानकारी लेते हैं। ब्रश यहाँ पे देखेंगे, ब्रश के द्वारा बहुत प्रकार के कलर किए जा सकते हैं, जैसे कि बहुत टाइप के कलर, मतलब एक ही कलर को आप बहुत टाइप से कर सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ब्रश है, इस ब्रश के द्वारा हम लोग कलर करेंगे तो ये इस प्रकार से ब्रश का आ जाएगा। अगर इसको हम लोग बनाना है तो कंट्रोल को दबा के प्लस दबाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इस ब्रश के द्वारा हम लोग कलर कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से मुझे कलर करना है, किसी जगह में इस बार से कलर करना है, तो मैं कलर कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस कलर को करने के लिए, तो ये कलर में क्लिक करूंगा तो ये कलर बॉन्ड पे दिखाई देगा, तो मैं इसके द्वारा ये कलर कर सकता हूँ। अब देखिए कलर बॉन्ड क्या चीज है, क्लिक हेयर एंड देन सिलेक्ट ए कलर फ्रॉम द कलर प्लेट्स, दिस कलर इज यूज्ड विद द पेंसिल एंड विद ब्रशेस एज वेल एज फॉर शेप्स आउटलाइंस, जैसे ये शब्द में आप कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि दूसरा ब्रश, यहाँ पे ये वाला ब्रश जो दिखेंगे, ये वाला कोरियोग्राफ ब्रश बॉन्ड, जैसे कि हम लोग कोई ब्लेड के द्वारा कलर कर रहे हैं तो इस प्रकार से दिखेगा। तो हम लोग इसको मोटा कर लिया, बड़ा कर लिया। अब मैं इस प्रकार से टान के किसी को कलर करता हूँ तो मैं इस प्रकार से देखूंगा,
तो ये जैसे कि कैलीग्राफ ब्रश 1 होता है, इसी प्रकार के एक दूसरा ब्रश होता है कैलीग्राफ ब्रश 2, तो मैं इस प्रकार से टान सकता हूं, जैसे कि ये लेफ्ट राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से मैं इस प्रकार से टान सकता हूं, ये राइट साइड से टान सकता हूं, तो जैसे पेपर का इस प्रकार से देखेंगे कि ये दो ब्रश के द्वारा कलर किया जा सकता है। इसके अलावा देखेंगे और एक क्या है, ये एयर ब्रश, जैसे कि हम लोग कभी स्प्रे कलर करते हैं कि मान लीजिए कि इसमें मुझे स्प्रे कलर इस प्रकार से करना है, तो मैं इस प्रकार से स्प्रे कलर को डाल सकता हूं। और क्या है, हम लोग और भी देखेंगे, ये अबे ये वाला होता है ऑयल ब्रश, अगर मैं उस ऑयल के साथ कलर को मिक्स करके करता हूं तो इस प्रकार से होता है, मतलब एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह में इसका अंत हो जाता है, मतलब इसका एक लिमिटेशन है कि इतना तक आप कर पाओगे, उसके बाद नहीं, मतलब वो कलर खत्म, अब दूसरा वाला फिर से दबाओ और फिर लो, मतलब फिर से और एक बार क्लिक करो और लो, तो ये वाला भी इसी प्रकार कंटिन्यू ये नहीं चलता है, एक लिमिटेशन के द्वारा चलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उसी प्रकार का, यहाँ पे देखेंगे क्रावन, क्रावन क्या होता है, जैसे करके इस प्रकार का कलर, तो इस प्रकार का कलर को कहा जाता है क्रावन, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि इसके वाला क्या चीज है, क्रावन के बाद हम लोग देखेंगे मार्कर, जैसे मार्कर पेन के द्वारा हम लोग कलर करते हैं, तो इस प्रकार से धुंधला सा थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट जैसा दिखता है, ठीक है। तो और क्या चीज है, हम लोग इसमें और भी देखेंगे, क्रावन के बाद क्या चीज है, पेंसिल, नेचुरल पेंसिल के द्वारा अगर हम लोग कलर करते हैं तो इस प्रकार से होता है। तो और भी हम लोग देखेंगे ये वाटर कलर, जैसे कि पानी के साथ अगर हम लोग कलर को मिक्स करके कभी कलर डालते हैं तो इस प्रकार से कलर आप लोग देखोगे, इसी जैसे ऑयल में आप लोग देखा है उसी प्रकार का सेम, ये एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरी जगह में अंत होता है, तो इस प्रकार का ब्रश के द्वारा हम लोग कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा और के चीजें उसको सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे आउटलाइन और फिल, आउटलाइन और फिल क्या चीज है, आउटलाइन के द्वारा हम लोग जैसे करके देखते हैं कि कभी किसी शेप को टांगते, तो ये मैंने शेप को ले लिया, अब ये शेप का जो बॉर्डर, मतलब इसका जो बाउंड्री जो क्रिएट कर रहा है, बाउंड्री जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है आउटलाइन, और ये आउटलाइन का कलर ये कलर बॉन्ड में रहता है। अब ये आउटलाइन को हम लोग अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं, मतलब इस आउटलाइन को अगर हम लोग मोटा कर लेते हैं और भी मोटा करें तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि जैसे करके यहाँ पे हम लोग को मिला है ब्रश में, बहुत टाइप का ब्रश का अलग अलग होता है, तो ब्रश का जिस प्रकार से कलर हो सकता है उसी प्रकार का आउटलाइन में भी कलर हो सकता है। नो आउटलाइन यानी कि इसमें कोई आउटलाइन नहीं है, सॉलिड कलर यानी कि ये परफेक्ट कलर है। क्रावन को अगर हम लोग देखेंगे तो क्रावन का कलर आ जाएगा, मार्कर को अगर देखेंगे मार्कर का जैसे कलर आ जाएगा, ऑयल को देखेंगे जिस प्रकार से हमने बोला है ऑयल मार्कर ये सब चीज है, उसी प्रकार का कलर की यहाँ पे परिवर्तन दिखाई देगा। नेचुरल पेंसिल जो है नेचुरल पेंसिल का जैसे आ जाएगा, वाटर कलर वाटर कलर का आ जाएगा, तो इस प्रकार से कलर का हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम लोग इसका आउटलाइन यानी कि सॉरी आउटलाइन का कलर हम लोग कर लिया, अब हम लोग फिल कलर को करेंगे। फिल कलर को करने से पहले आप क्या करें, कलर टू में जाकर दूसरे कलर को डालें, उसके बाद आप क्या करें फिर कलर में चले जाइए। आप एक चीज याद रखिए, कभी अगर आपने ये जो शेप आपने यहाँ पे ड्राइंग किया है, इस शेप के बाहर में अगर आपने क्लिक किया तो इस प्रकार का परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा। तो उसमें क्या है, हम लोग देखेंगे नो फिल, जिसमें कोई कलर नहीं है, सॉलिड कलर तो ये सॉलिड कलर आ गया, क्रावन तो ये क्रावन आ गया, मार्कर ऑयल नेचुरल पेंसिल वाटर कलर, इस प्रकार सब देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा और एक चीज, इसको हम लोग कर लिया, अब हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट कर लिया, अब हम लोग इसमें आउटलाइन या फिल कलर कोई नहीं आता है, यानी कि हमने जो बोला है कि जब हम लोग क्रिएट करेंगे करने का समय हम लोग ये सब परिवर्तन करना है, अगर हम लोग परिवर्तन बाद में करते हैं मतलब सिलेक्ट करके करते हैं तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, तो ये आउटलाइन और फिल कलर के बारे में हम लोग जानकारी मिल गया, अब हम लोग साइज के बारे में भी जानकारी पहले दे चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट और यहाँ पे हम लोग ये सब चीज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए यहाँ हमने फिल कर लिया, अब हम लोग इसका कलर डालते हैं, डाल दिया इसमें, डाल दिया इसमें, डाल दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देखते हैं, सिलेक्ट का क्या चीज होता है, सिलेक्ट ये रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, मतलब आप किसी भी प्रकार का सिलेक्टर है वो तो चतुर्भुज आकार होगा, ये होगा, ओके। अब इसको टान के लाइए कि दूसरी जगह में ये वाला चतुर्भुज आकार में काट लिया, चाहे वो रेक्टेंगल बोलो चाहे वो स्क्वायर बोलो, इस प्रकार से मतलब इसको नहीं या फिर, ठीक है। अच्छा, तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चीज हमने बनाया, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे और एक है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन।
ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्या चीज है? फ्री फॉर्म सिलेक्शन के द्वारा हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना मर्जी से किसी जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब मेरा मर्जी है, मैं इस पगार का सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे करके इस पगार से ऐसे ऐसे करके सिलेक्शन करना चाहता हूँ, तो मैं इस पगार से सिलेक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब करने के लिए जाएंगे उस समय देखेंगे ये चतुर्भुज आकार का देखेंगे, पर इसको मूव करके लाने से आप जितना तक सिलेक्ट किया उतना तक की जगह आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग और क्या चीज देखेंगे, सिलेक्ट ऑल। अगर आपका पेज में मतलब ये कैनवास एरिया में मान लीजिए कि बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा शेप आपका है जो कि पूरा एरिया को आपको चाहिए, आप उस पूरा एरिया को अगर आपको जरूरी है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे, तो ये पूरा एरिया आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा एरिया के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं और देखेंगे यहाँ पे इनवर्ट सिलेक्शन। अब ये जो इनवर्ट सिलेक्शन आपका है, आप ऐसा आपका डिसीजन हुआ कि मान लीजिए कि इतना सा जगह को आपने सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन करने के बाद आप ये चाहते हैं कि ये सिलेक्शन के बगैर मतलब इस सिलेक्शन एरिया को छोड़ के आप बाहर का जो दुनिया है, बाहर का जो एरिया है, इस एरिया को आप सिलेक्शन करना चाहते हैं इन दिस कैनवास स्पेस, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आप ये करेंगे कि ये वाला जो चीज है इनवर्ट सिलेक्शन, तो ये इनवर्ट सिलेक्शन को आप इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कि ये इनवर्ट सिलेक्शन को इस्तेमाल करने के समय आप ये वाला चीज देख पाएंगे, मतलब उस एरिया को छोड़ के मैं बाहर का एरिया को मतलब कैनवास एरिया का बाहर का एरिया को सिलेक्शन कर दिया। अब ये देखिए पीछे वाला चीज को दिखाई नहीं दे रहा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग जान कर ले चुके हैं ट्रांसपेरेंट के बारे में, तो ये ट्रांसपेरेंट करने से ये पीछे वाला हिस्सा को आपको दिखाई देगा। ठीक, आज तो चलिए उसके बाद हम लोग और क्या देखते हैं, और क्या चीज है, और हम लोग ये पे देखेंगे डिलीट। मतलब आप ये चाहते हैं कि इस एरिया को सिलेक्शन आपने कर लिया, करने के बाद आप चाहते हैं कि इस एरिया को हटाने के लिए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर सकते हैं या फिर हम लोग क्या करेंगे डिलीट कर सकते हैं। तो इस जगह में ये डिलीट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये डिलीट एरिया को छोड़ के भी मतलब ये डिलीट जो ये आप ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको छोड़ के भी आप क्या कर सकते हो, कीबोर्ड में देखिए कि डिलीट बटन है, तो वो डिलीट बटन दबाइए, डिलीट बटन दबाने से आपका वो एरिया क्लीन हो जाएगा, मतलब वो एरिया डिलीट कर दिया आपने। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग और क्या देखेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या चीज होता है, मान लीजिए कि ये जो चीज है इसको आपने सिलेक्शन कर लिया, ये सिलेक्शन हो गया, अब ये सिलेक्शन का ये शेप के बगैर और भी व्हाइट एरिया बहुत सारी जगह आपने ले लिया। ठीक, तो आप चाहते हैं कि ये एरिया आपको ना आए, मतलब इसको जब आप दूसरे के ऊपर ले जाते हैं तो वो एरिया आपको दिखाई नहीं देता है ना। तो चलिए हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अगर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हटाते हैं तो ये एरिया दूसरे के ऊपर आ जाएगा, मतलब उसका पीछे एक बैकग्राउंड में आपका कलर या फिर कुछ एरिया ले लेगा, जिसके दौरान क्या होगा पीछे वाला एरिया को दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे तो पीछे वाला एरिया को आपको दिखाई देगा। देखिए ये पीछे वाला एरिया आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये वाला को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग दूसरा चीज को देखते हैं। अब हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे क्रॉप रिसाइज रोटेशन ये जो चीज है इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि ये वाला शेप को ले लिया, अब इसको हम लोग इस प्रकार से मीन करते हैं। अब हम लोग इसके में कलर डालते हैं, तो ये वाला कलर मैंने डाल दिया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कैनवास एरिया बहुत बड़ा है, अब मैं इतना को सिलेक्शन करता हूं, ये कर लिया। करने के बाद देखिए कि यहाँ पे दो प्रकार का पिक्सेल का एरिया दिखाई दे रहा है, एक मेरा सिलेक्शन एरिया का पिक्सेल, एक पूरा कैनवास स्पेस का पिक्सेल। तो मेरा अगर मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, ये पूरा ये जो पिक्चर है इस पिक्चर को इतना सा एरिया नहीं लेके पूरा एरिया मतलब पूरा कैनवास एरिया इस पिक्चर का साइज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो एरिया है इस एरिया ही मेरा पिक्चर का साइज हो, मतलब ये जो 534x331 ये वाला जो मेरा पिक्सेल एरिया है, ये जो मेरा पिक्चर का साइज है, ये साइज मैं रखूंगा, मतलब बाकी एरिया मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, उस लिए इस एरिया को अगर मैं क्रॉप करता हूं तो पूरा कैनवास एरिया इसमें चला आएगा, मतलब ये कैनवास एरिया का साइज और पिक्चर का साइज बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे जब इसको हम लोग सेव करेंगे तो वो वाला एरिया इस एरिया को ले लेगा। ठीक, क्लियर। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे ये एरिया को हमने सिलेक्शन कर लिया। करने के बाद
अब मैं चाहता हूँ इसको रिसाइज करने के लिए, मतलब आप चाहते हैं इसको छोटा या बड़ा करें, तो छोटा या बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिसाइज में परसेंटेज और पिक्सल। तो आप परसेंटेज में कर सकते हैं और या फिर आप लोग पिक्सल में कर सकते हैं। तो परसेंटेज में अगर करेंगे या तो परसेंटेज हम लोग को लगाना पड़ेगा, या फिर पिक्सल में करेंगे तो या फिर पिक्सल लगाना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे वाला जो काउंटिंग है उसमें ही हम लोग हिसाब करते हैं। चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका 600 कर दिया, तो मैं इसको अगर 600 करता हूँ तो इसका हिसाब से इसको कितना बढ़ाना चाहिए तो उतना यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो में है। अगर मैं इसको मेंटेन नहीं करता हूँ तो मैं इसको अपना मर्जी से इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ओरिजिनल में कितना करूँ या फिर वर्टिकल में कितना करूँ, मान लीजिए कि वर्टिकल में मैं इसको 400 करता हूँ, ओरिजिनल में 600। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक का हिसाब से, मतलब आप एक का हिसाब से अगर इसको बनाना चाहते हैं तो दोनों में ऑलरेडी एंटेन एस्पेक्ट रेशियो रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग उसके अलावा और क्या करते हैं कि अगर हम लोग ओरिजिनल मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को छोड़कर ओरिजिनली करें या फिर वर्टिकली करें, किसी भी प्रकार में कर सकता हूँ। तो मैं अगर चाहता हूँ कि इसमें डिग्री में इसको टेरा करें, मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे बॉक्स जो दिख रहे तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो और एक बार मैं ये पे ले लेता हूँ, ये मान लीजिए कि ये वाला स्क्वायर बॉक्स। अब मैं इसमें कलर डालता हूँ, ये कलर डाल दिया, ठीक। तो अब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के समय मैं चाहता हूँ इसको डिग्री में घुमाने के लिए, मतलब इसको टेरा करने के लिए, तो मैं इसको टेरा करने के लिए ये इस्तेमाल करूंगा कि यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ये भी दिखाएगा कि हॉरिजॉन्टल में आप क्या कर सकते हैं, -89 से +89 डिग्री के कोई भी एंगल में इसको घुमा सकते हैं। तो आप ये देखिए -89 और +89 का इसका डिफरेंस क्या है, हम लोग ये देखेंगे। जब भी हम लोग -90 में जाते हैं तब वो एंगल 90 डिग्री एंगल हो जाता है या फिर स्ट्रेट हो जाता है, मतलब ये वाला ऑलरेडी स्ट्रेट में है, तो इसको कितना परसेंट घुमाया वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग माइनस में करें या फिर प्लस में करें, दोनों का ही डिग्री सेम एंगल में होता है, मतलब वो स्ट्रेट में होता है। जो वो साइड जो आपको मिलेगा, मतलब ये जो एंगल का जो साइड है, दो साइड आपको ये मिलेगा कि ये दो साइड ही स्ट्रेट में है, तो आप इसको कितना परसेंटेज में घुमाया तो वो आपको नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्यू में जब हम लोग करते हैं, स्क्यू करने का समय ही आपको डिग्री दे देगा। मान लीजिए कि मैं 45 डिग्री करता हूँ तो ये एक साइड से 45 डिग्री में एंगल में आ जाएगा, क्लियर। आगे तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि इसको 45 डिग्री में एंगल में किया तो मैं इसको -45 डिग्री में एंगल में करता हूँ, तो देखिए इस प्रकार से फिर से सीधा हो जैसा था वैसा, मतलब आपने कितना एंगल में घुमाया उसको, उसको उतना एंगल माइनस कर दीजिए तो वो माइनस हो गया, अब वो 90 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये करेंगे स्क्यू को, ये वाला तो हमने देख लिया, वर्टिकल में भी उसको हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये जो हमने हॉरिजॉन्टल में किया तो हॉरिजॉन्टल का दो एंगल आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट और राइट साइड में, तो वो दो एंगल में इसको स्क्यू कर सकते हैं। अगर आप वर्टिकल करना है तो वर्टिकल में आप देखेंगे दो एंगल यहाँ पे है, तो ये वर्टिकल जो दो एंगल अगर आपको यहाँ पे मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उस दो एंगल को आप डिग्री में घुमा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 35 डिग्री, तो मैं इसको वर्टिकल में 35 डिग्री घुमा दिया। अगर मैं इसको फिर से -35 डिग्री करते हैं तो ये -35 डिग्री में आ जाएगा, ओके। आगे तो इस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा तो चले हम लोग ये रिसाइज के बारे में तो जानकारी ले ली, अब हम लोग रोटेट के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक शेप बनाया, तो मैं इस प्रकार से शेप बनाया, अब मैं यहाँ पे और एक शेप बना लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे कलर डालता हूँ, कलर की जगह मैं अलग अलग कलर डालता हूँ। तो मैं इस जगह में ये कलर डाल दिया, इस जगह में ये कलर डाल दिया, अब इस जगह में ये कलर, इस जगह में ये कलर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ये पे चले जाते हैं, ये वाला जो सिलेक्शन है इसको आप सिलेक्शन कर लीजिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर सिलेक्शन कर लीजिए। करने के बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफर सिलेक्शन करने के बाद आपको ये रोटेट में जाना है। रोटेट में जाने के बाद आप देखिए कि रोटेट 90 डिग्री राइट,
राइट 90 डिग्री, मतलब ये राइट साइड में 90 डिग्री घूमेगा, तो ये इस प्रकार से घूम गया, तो मैं इसको इस प्रकार से घुमा दिया। देख तो मैं ये इस प्रकार से घुमा दिया इसको। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि इसको लेफ्ट में घुमाऊं, तो मैं इसको लेफ्ट में घुमा सकता हूँ, तो ये लेफ्ट में घूम गया, ठीक है। अब मैं अगर ऐसा चाहता हूँ कि इसको 180 डिग्री में घुमा सकता हूँ, तो 180 डिग्री में अगर घुमाता हूँ तो किस प्रकार से घूमता है, ये घूम गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और क्या चीज देखे हम लोग, वर्टिकल एंड फिफ्थ, वर्टिकल फिफ्थ हॉरिजॉन्टल, मतलब आप ऐसा चाहते हैं कि आप नदी का किनारे में खड़े हो और नदी में आपका छाया दिख रहा है, तो किस प्रकार से दिखेगा, वो होता है फिर वर्टिकल में। अगर आप मान लीजिए कि मिरर में खड़े, मिरर के सामने खड़े हो, तो मिरर में आपको क्या दिखेगा, ऑपोजिट दिखेगा, तो इस प्रकार से, तो यानी कि हॉरिजॉन्टली होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट में रोटेशन, और वर्टिकली होता है अप एंड डाउन में, मतलब अप एंड डाउन में आपको रोटेशन करेगा। तो मैं पहले वर्टिकली करता हूँ, तो ये वर्टिकली रोटेशन हो गया अप एंड डाउन से, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर आ गया। अब हम लोग अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करेंगे तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ये वाला रोटेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कि ये फिर क्लिपबोर्ड के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कट और पेस्ट फॉर्म, ये सब चीज आपको दिखेगा। तो हम लोग पहले एक ड्राइंग कर लेते हैं, ये वाला मैं ड्राइंग कर लिया, तो करने के बाद इसको मैं फिल कलर कर देता हूँ, तो ये कलर में करता हूँ। करने के बाद आप देखिए कि इसमें मैं अगर इसको सिलेक्शन करते, विदाउट सिलेक्शन में आप कट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कट पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट करना है। तो हम लोग इसको कट करते तो ये वाला चीज हट जाएगा, यानी कि आपका जो ड्राइंग किया हुआ है, जिसको आप पेस्ट करने वाले हैं या फिर जिसको आपने कट किए हैं, तो वो वाला चीज हट गया। अब उस चीज को दोबारा आपको लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो अंडो करके ला सकते हैं और दूसरा तरीका आप उसको पेस्ट करके ला सकते हैं। तो ये पेस्ट में क्लिक कीजिए तो आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, जितना चाहे आप उसको डाल सकते हैं। आप अगर ऐसा होते हैं कि आप ये चाहते हैं, चलिए इसको मैं क्लीन कर लिया। अब ऐसा चाहते हैं कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया को आपको डबल बनाना है, मतलब इसको भी रहना है, इसके साथ साथ आपको डबल भी बनाना है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट कीजिए, आ गया पेस्ट आ गया, तो इस प्रकार से। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ पे मान लीजिए तीन अलग अलग शेप है, ये एक शेप, ये एक शेप और ये एक शेप, ये तीन अलग अलग शेप है। अब अगर इसमें मैं अलग अलग कलर डालता हूं, ये डाल दिया, अब ये तीनों में मैं अलग अलग कलर डाल दिया, डालने के बाद मैं चाहता हूं कि इस एरिया को, मतलब इसको मैंने पहले सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको सिलेक्शन कर लिया, कॉपी कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों जो पिक्चर आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इसका नाम दे देता हूं वन, ये वन, इसका नाम देता हूं टू, ये टू, इसका नाम देता हूं थ्री, तो ये थ्री। ये जो तीनों पिक्चर को हमने सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया, आप क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आप एक्चुअली कॉपी और कट करने के लिए जब हम लोग कट या कॉपी करते हैं, तो वो एक ही चीज को रखते हैं। आप लास्ट को जिसको किया, लास्ट में जिसको किया, वो चीज को वो एक ही रखते हैं, इसके अलावा बाकी सबको हटा देते हैं। तो हम लोग दोबारा जब इसको पेस्ट करने के लिए जाते हैं, तब देखिए कौन सा वाला आते हैं, तो ये नहीं कि लास्ट वाला, ये लास्ट तीन नंबर वाला जो है, इसको हमने कॉपी किया था, इसको हमने पेस्ट किया, तो ये लास्ट वाला। जितना बार भी आप करेंगे तो वो लास्ट वाला ही आएगा, है समझ। तो आप किसी भी समय पर करें, यानी कि एक दो तीन चार पांच छह जितना करें,
तो उनमें से लास्ट वाला को जिसने आपने कॉपी किया तो लास्ट वाला ही जितना बार करेंगे उतना बार आ जाएगा। ये होता है कॉपी पेस्ट। अब हम लोग डिफरेंस को देखते हैं। डिफरेंस क्या चीज है? कट और कॉपी का ये डिफरेंस है कि कट वाला चीज पेज में दिखाई नहीं देता है और कॉपी वाला चीज पेज में रहता है, पर दोनों में ये मेल आपको देखेगा पेस्ट करने से दोनों ही आते हैं, मतलब कट किया हुआ चीज भी आता है पेस्ट किया हुआ चीज भी आता है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, पेस्ट फ्रॉम, मतलब इसका जो मीनिंग है आप इसको देख सकते हैं कि ये चीज क्या कहा जा रहा है, शो द पेस्ट फ्रॉम डायलॉग बॉक्स एंड पिक ए फाइल टू पेस्ट, मतलब आप किसी फाइल को पिक कर सकते हो। ठीक है, किसी फाइल को आप पिक कर सकते हो जो वो पिक किया हुआ चीज, मतलब ये वाला चीज हमने चला गया यहाँ पे, पिक करने के बाद आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो चलिए तो मैं यहां से इस पिक्चर को पिक कर लेता हूं, तो ये पिक्चर को मैं पिक कर लूं, करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो गया इस प्रकार से। तो मैं किसी भी फाइल से किसी भी फाइल को या फिर पिक्चर को पिक करके यहाँ पे ला सकते हो पेस्ट के दौरान। ठीक, तो चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे कलर वन और कलर टू। कलर वन ये फिल कलर या फिर फॉन्ट कलर होता है, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट का कलर देते हैं या फिर आउटलाइन का कलर होता है, और कलर टू जो मैंने पहले बताया कि बैकग्राउंड कलर होता है। तो चलिए हम लोग अभी सीखेंगे कि यहाँ पे एडिट कलर के बारे में। एडिट कलर क्या चीज है? एक्चुअली कलर को हम लोग यहाँ पे जो कलर प्लेट आप लोग को मिल रहा है, तो ये कलर प्लेट को हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब इस कलर प्लेट में अलग अलग प्रकार का कलर है। आप अगर चाहते कि किसी कलर को एडिट करने के लिए, मतलब किसी को घटाना या फिर बढ़ाने के लिए, तो आप इसके द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एडिट कलर के बारे में जानकारी लेते हैं। एडिट कलर में हम लोग ये जानकारी ले लिया कि देखेंगे इसके द्वारा हम लोग किसी एक कलर को एडिट करके घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। तो उस कलर को घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इस जगह में हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग एडिट कलर में जाते हैं तो हम लोग ये वाला चीज दिखाई देगा। तो ये वाला चीज एक्चुअली क्या चीज है, इसको हम लोग बड़ा करके देखते हैं। तो चलिए देखिए कि ये जो बड़ा वाला बॉक्स जो है, आपको ये जो बड़ा वाला बॉक्स आपको दिख रहा है कि इस जगह में आप इस चीज को देखेंगे, इस चीज को फॉलो करेंगे कि यहाँ पे देखिए छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स निकल गया है। तो यानी कि एक कलर को, मतलब इस बॉक्स को, मतलब ये पे जो हम लोग देख रहे हैं, एक एक बॉक्स इस प्रकार से अप एंड डाउन में अरेंज किया गया है और लेफ्ट टू राइट में अरेंज किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इस बॉक्स में जो है, इस बॉक्स में अलग अलग इसका बहुत सारा बॉक्स यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पे जो बॉक्स तैयार हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 239 तक, मतलब 0 एक नंबर, 1 एक नंबर, 2 एक नंबर, 239 एक नंबर, इस प्रकार से ये लाइन में अरेंज किए गए हैं। अब ये जो एक एक करके जो यहाँ पे हम लोग 0, 2, 1, 3 इस प्रकार से जो देखेंगे, ये एक एक यूनिक कलर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यू कहते हैं, जो कि आप लोगों की यहाँ पे ह्यू में दिखाई देगा। ह्यू में आप लोग इस जगह में ये वाला चीज मिलेगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे ले लेते हैं। इसको हम लोग इस जगह में सेट कर लेते हैं, ले लिए। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज आप लोगों को मिलेगा, एडिट कलर में हम लोग चला गया, जाने के बाद हम लोग देखेंगे ये जो चीज, इस चीज को हम लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट में बहुत सारा कलर यहाँ पे अरेंज किया गया है। यानी कि ये जो अरेंज किया गया कलर है, इनमें से हम लोग देखेंगे 239 ये वाला है लास्ट कलर। और इस प्रकार से हम लोग इस कलर को अगर इस जगह में जाते हैं, मतलब ये वाला, तो ये वाला कलर
सैचुरेशन में अपना हम लोग यहाँ पे देखेंगे 240 तो इस प्रकार से ये करें लास्ट। तो इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट में हम लोग देखेंगे 0 से 239 तक है। और हम लोग अप एंड डाउन में अगर करते हैं तो अप एंड डाउन में मतलब ये पे हम लोग अगर 200 कर देते हैं तो देखिए कि वो थोड़ा सा बीच में चला आया। अगर हम लोग इसको ऐसा कर दे कि 0 कर देते हैं तो ये एकदम नीचे आ गया। अगर इसको हम लोग क्या करते 150 करते तो ये देखिए बीच में आ गया, मतलब ये अप एंड डाउन में है। ये जो अप एंड डाउन में आपको दिया दिखेगा इस चीज को एक एक करके कलर जो यहाँ पे घटाते हैं बढ़ाते हैं घटाते हैं बढ़ाते हैं इसको हम लोग कहेंगे सैचुरेशन। और जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेफ्ट राइट में जो एक एक करके यूनिक कलर है उस कलर को हम लोग कहेंगे ह्यू। और क्या चीज है, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो यूनिक बॉक्स आपको दिख रहा है मतलब ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है इस बॉक्स में मतलब ये ह्यू में 155 और सैचुरेशन में 160 मतलब लेफ्ट टू राइट में आप देखेंगे यहाँ पे 155 अप एंड डाउन में इसको आप देखेंगे 160 तो इस बॉक्स को आप मीन करते हैं। अब इस बॉक्स का कलर को आप क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, एकदम पूरा जीरो कर दे तो ये ब्लैक हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का 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 करते करते एकदम पूरा हल्का कर दिया तो ये व्हाइट बन गया। मतलब इसके द्वारा आप ये देख पा रहे हो कि इस कलर को मतलब इस बॉक्स के कलर को आप अगर एकदम घटा दोगे तो ये एकदम पूरा डार्क हो जाएगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर पूरा लाइट करोगे तो व्हाइट हो जाएगा जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से अगर बीच में किसी एक कलर में रखोगे तो इसके द्वारा आप इस कलर का मीनिंग आप देख पाओगे, मतलब इसको घटाते हो बढ़ाते हो घटाते हो बढ़ाते हो घटाते हो बढ़ाते हो घटाते हो बढ़ाते हो इस प्रकार से। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब जिस एक ही यूनिक कलर को हम लोग घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। और सैचुरेशन जो अप एंड डाउन का एक एक कलर होता है वो अप एंड डाउन के एक एक कलर को हम लोग कहेंगे सैचुरेशन। और अगर हम लोग ह्यू कहते हैं तो लेफ्ट टू राइट जो एक एक करके यूनिक कलर होता है उसको हम लोग कहते हैं ह्यू। तो इस तीन कलर को यूनिकली मिक्स करके क्या होता है कि आज जितना कलर आपको मिलता है सब टोटल कलर मिलता है, इसलिए इन तीन कलर को सॉरी रेड ग्रीन ब्लू जो है इन तीन कलर को एक साथ कहा जाता है कि यूनिवर्सल कलर। और तीन कलर को मिक्सिंग करके ये कलर प्रिंट तैयार हुआ है। ठीक, तो ये आपको एडिट कलर के बारे में मैं जानकारी दे दी। अब हम लोग क्या करेंगे उसका चले जाते हैं ये पे व्यू में। व्यू में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जूम देखेंगे, जूम इन जो कि मैं बड़ा कर दिया, जूम आउट जो छोटा हो गया, 100% जो नॉर्मल रूलर्स जो स्केल आपको यहाँ पे दिख रहा है स्केल को हटा दिया हट गया, फिर दिला दिया ग्रिड लाइन जो कि ग्राफ एरिया आपको दिखेगा। ठीक, तो मैं इसको हटा दिया। स्टेटस बार नीचे देखिए वो जो जूम का बॉर्डर था वो बॉर्डर हट गया। अब मैं इसको अगर जूम करता हूँ तो मैं इसको फुल स्क्रीन में देख सकता हूँ, ये पूरा फुल स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अब मैं थंब लाइन करूंगा तो ये पूरा एरिया आपको छोटा करके यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक ड्राइंग करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाला ड्राइंग करता हूँ तो ये लाइन ले लिया, ले लिया, इसको मैं सिलेक्शन कर लिया। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी दबा के या फिर कंट्रोल दबा के आप बार बार क्लिक करके ला सकते हैं। तो ये मैंने ला दिया, अब मैं ये वाला ला देता हूँ इस प्रकार से। मान लीजिए कि इस प्रकार से मैंने ड्राइंग किया, अब मैं हो गया, आप मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे बीच में।
हो गया। तो इस पार से मैं यहाँ पे कलर भी डाल देता हूँ। हो गया, डाल दिया। इस पार से मैं कलर डाल दिया। अब मैं देखूंगा कि ये जो मैंने कलर यहाँ पे डाल दिया, ये ड्राइंग को मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, चलो जो यहाँ पे पहले में हमें ये इसके बारे में जानकारी दे चुका, तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, सेव एज में क्लिक करें या फिर सेव में क्लिक करें। तो पहले नया नया यहाँ पे सेव एज डायलॉग बॉक्स से निकलेगा। आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हो, ये आपके स्टोरेज एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कौन सी जगह में रखना है, डेस्कटॉप, डाउनलोड, रिसेंट प्लेसेस, या फिर लाइब्रेरीज, या फिर डॉक्यूमेंट्स, या फिर म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, या फिर आप चाहते हो यहाँ पे कंप्यूटर का जो आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो हार्ड डिस्क का बहुत सारा ड्राइव है, आपको यहाँ पे मिलेगा सी डी ई और जितना सर आपको कंप्यूटर में रहेगा, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ठीक है, आप ये पे फाइल नेम, मतलब आप किस नाम पे इसको रखना चाहते हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ डेस्कटॉप में, तो मैं इसका नाम देता हूँ आयोटेक, दे दिया। अब देखिए कि यहाँ पे आयोटेक ऑलरेडी है, तो मैं इसको आयोटेक 2 कर देता हूँ, यानी कि और यहाँ पे आप उसका चूजेबल कर सकते हैं कौन वाला, मोनोक्रोमैटिक बिटमैप, या फिर 16 कलर बिटमैप, या फिर 256 कलर बिटमैप, कौन सा लगाएंगे, या फिर 24 बिट बिटमैप, कौन सा करेंगे, जेपीईजी, या फिर गिफ, या फिर टीआईएफएफ, या फिर पीएनजी। तो मैं इसको जेपीजी करता हूँ सिर्फ। अब ये सेव हो गया, आपको कैसे पता चलेगा कि जगह में आपको वो नाम चला है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि चले जाइए इस जगह में, तो देखिए ये वाला आपका, ये वाला पिक्चर आपका बन गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये पेंट पूरा आपने जानकारी ले लिया पेंट के बारे में, तो ये पूरा आपको सीख लिया। चलिए ये वाला क्लोज, अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे।